नमस्कार, हम आपको इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रहे हैं उसे ध्यान से पूरा देखिए, अन्यथा आप भी इस तरह के फर्जीवाड़े में फंस सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन धोखाधड़ी की वारदातें सुनने को मिलती रहती है। अब एक नया तरीके से सोशल मीडिया पर इन दिनों लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। यह खबर कई मीडिया ग्रुप ने प्रमुखता से छापा है। सरकार कितना ही व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर लगाम लगाए, लेकिन हैकर्स किसी न किसी तरह से लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने में कामयाब हो जा रहे हैं। इन दिनों व्हाट्सएप पर फर्जी बिजली का बिल भेजकर कनेक्शन काटने का तेजी से फर्जीवाड़ा सुनने व देखने को मिल रहा है। भोली भाली जनता इन मैसेज को सीरियस लेते हुए उसे भर दे रही है। उसे अपने साथ हुए धोखाधड़ी का पता तब चल रहा है जब उसे कुछ दिनों बाद सही बिजली बिल आता है, तब उसके होश उड़ जाते हैं। आज अधिकतर इस तरह का कारनामा हैकर्स नकली व्हाट्सएप संदेशों भेजकर उन्हें बिजली के बिलों का भुगतान शीघ्र करने के लिए कहते हैं और चेतावनी भी मैसेज में देते हैं कि यदि नहीं किया तो रात में ही कनेक्शन कट जाएगा और जुर्माना अलग से देना होगा। जनता भी तत्काल बिजली बिल जमा करने में ही भलाई समझती है। सोशल मीडिया के अन्य कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने इस घोटाले की सूचना दी है। इस तरह का फर्जीवाड़ा कई राज्यों के कई शहरों में हो रहा है। चूंकि बिजली विभाग भी मैसेज के जरिए इस तरह की सूचना देता रहता है, तो इसी का लाभ लेते हुए हैकर से सत्रह का फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कई लोगों ने व्हाट्सएप पर एक बिजली बिल पाया, कहा अगर वे बिल नहीं भरते तो वे रात की बिजली काट देंगे। जैसा कि ट्विटर पर साझा किया गया है, ऐसे संदेश SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। जब ये नंबर डायल किए जाते हैं तो उपयोगकर्ताओं को बिजली देने के लिए कहा जाता है या उन्हें अपनी बिजली काटने का जोखिम होता है। वैसे इस तरह की घटना गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और उड़ीसा सहित अन्य शहरों में इस तरह की बिजली घोटालों की सूचना मिली है। कई स्थानों पर लोगों ने मुकदमा भी दर्ज कराया है। आप भी जानिए कि क्या मैसेज आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप पर एक संदेश ग्राहकों को भेजा जा रहा है, प्रिय ग्राहक आपकी बिजली आज रात 10 बजे बिजली कार्यालय से काट दी जाएगी क्योंकि आपके पिछले महीने का बिल जमा नहीं किया गया है। कृपया हमारे बिजली अधिकारी से संपर्क करें 8260303942। तुरंत धन्यवाद। आपको जानकारी दे कि ये संदेश BSES दिल्ली के लिए BSESDL जैसे वैध स्रोतों द्वारा नहीं भेजे गए हैं। इस संदेश को भेजकर यह बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए कह रहे हैं और यह लिखा है कि बिल पूरा नहीं होने पर कनेक्शन में कटौती की जाएगी। कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने भी इस घोटाले की सूचना दी है। आइए हम आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप बिजली बिल फर्जीवाड़ा से कैसे खुद को बचाएं। जब भी इस तरह के मैसेज आते हैं तो घबराए नहीं, पहले उसे गंभीरता से देखें और आज आप आसानी से किस नंबर से आ रहा है उसे सर्च करना बहुत आसान है। ट्रूकॉलर पर जाकर उस नंबर को सर्च किया जा सकता है। मैसेज के शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। कनेक्शन नंबर आपका सही है या नहीं अपने बिल से मिला लीजिए। वैसे यह अधिकतर सही होगा क्योंकि कई बार विभागीय लोगों की मिलीभगत की भी जानकारी मिली है, जिनके माध्यम से यह हैकर्स ग्राहकों के बिजली बिल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें ही मैसेज देकर धन उगाही करते हैं। इस तरह के मैसेज आते हैं तो सबसे पहले बिजली विभाग के किसी कर्मचारी जी या कार्यालय में फोन कर तहकीकात करने के बाद ही आगे का कदम उठाए, अन्यथा आप फर्जीवाड़ा के शिकार हो सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।